मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क का हाल करके इन लोग छोड़ दिए। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है कि मैं भारत के संविधान का तमहीद पढ़ूंगा और आपसे गुजारिश है कि आप उस संविधान की प्रियाम्बल को मेरे साथ पढ़ेंगे। अपना ये सेलफोन खोलिए, इसकी लाइट को चालू करिए ताकि जो बीजेपी के लोग, इनकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी है, हमारे सेलफोन की लाइट से थोड़ी बीनाई आ जाए, थोड़ा दिमाग उनके जालों से हट जाए, दिमाग में जाले हट जाए। आप मेरे साथ पढ़िए, छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे साथ पढ़िए। हम भारत की आराम, मकाना तो संजीदगी से अजम करते हैं कि भारत को एक मुख्तदर समाज, समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाए और इसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें। इंसाफ समाजी, माशी और सियासी, आजादी ख्याल, इजहार, अकीदत, दीन और इबादत, मसावात, बाएतबार हैसियत और मवाक़े, और इन सब में इख़्वत को तरक्की दे जिससे फर्द की अज़मत और हम इत्तेहाद और सालिमियत का तयखुन हो। मोदी जी, हम भारत के संविधान की आईन पर हल्फ लिए और इंशाअल्लाह ताला इससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। ये संविधान के सामने इंशाअल्लाह ताला बीजेपी और संघ परिवार की शिकस्त होगी। अपने एहतजाज को जारी रखिए, पुरमन रखिए और महाराष्ट्र की सरकार पर दबाव डालते रहिए कि वो CAA, NPR और NRC पर स्टे लगाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।